दोस्तों यह कहानी एक खूबसूरत नर्तकी की है। 2 मिनट समय निकालकर यह कहानी जरूर सुनना। एक खूबसूरत लड़की राजा के दरबार में नृत्य कर रही थी और राजा साहब अपने सोफे पर बैठे हुए देख रहे थे। लेकिन राजा साहब बहुत बदसूरत था। लड़की ने राजा साहब से एक सवाल पूछने की इजाजत मांगी। राजा साहब ने कहा, चलो पूछो अपना सवाल। तब लड़की ने कहा, जब स्वर्ग लोक में हुस्न बट रहा था तब आप कहाँ थे राजा साहब, जो आप इतना बदसूरत है। लेकिन राजा साहब ने गुस्सा नहीं किया बल्कि बड़े ही चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम हुस्न की लाइन में खड़ी होकर हुस्न ले रही थी तो मैं किस्मत की लाइन में खड़ा होकर किस्मत ले रहा था। और आज यही वजह है कि तुम जैसी हुस्न वालियों मेरे सामने नृत्य करने को मजबूर है। इसीलिए दोस्तों किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुस्न ना मांग नसीब मांग ये दोस्त, हुस्न वालों तो अक्सर नसीब वालों के यहाँ गुलाम हुआ करते हैं। जो भाग में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। यहाँ सब कुछ बिता है दोस्तों, रहना जरा संभाल के। बेचने वाले ने तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है झूठ बिकता है, बिकती है रही कहानी जो तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। बंद कर दिया सांपों को सपोरों ने यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध ने भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोता है। कुत्ते कोमा में चले गए यह देखकर, क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान।